हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने यहां पर मार्केट का ओवरव्यू आपको देते हुए नजर आए थे। हमने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी और वो प्रेडिक्शन 100% सच होती ही दिखाई दी। ओके, उसमें जैसा होता हुआ हमने आपको कल बताया था, सेम एज इट इज ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कल की वीडियोज आप एक बार जाके देख लीजिएगा, बट स्टिल यहाँ पर आपको जरूरत है कि हमारी वीडियोस को देखा करें, फॉलो किया करें, ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। कल हमने यहाँ पर आपको बताया था कि कल यहाँ एक मारुबोजू कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर उसका इस मतलब से अगर उसका लो टूटा तो गिरावट होगी, तो आज गिरावट होती हुई दिखाई दी। बेशक से मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन हुई थी, गैप अप ओपन हुई थी, उसके बाद एक गिरावट हुई और गिरावट में मैंने आपको एक लेवल दिया था जो कि यहाँ पर था 15,865 के आसपास का। तो आज यहाँ पर 15,858 का यहाँ पर लो लगाया। ओके, और लो को वहीं पर ही टच, मतलब वो ही लाइन को टच करके चीज़ें ऊपर जाती हुई नजर आई। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर लेवल दे देते हैं। पहले ही आपको बताए थे कि किस तरीके से मार्केट काम करती हुई नजर आएगी, तो एज इट इज़ यहाँ पर मार्केट काम करती हुई नजर आई और ऐसा ही लेवल आज भी आपको मिलेगा। और किस तरीके से ये लेवल मैंने निकाला है, इसके लिए मैंने 3 वीडियो की एक टेक्निकल एनालिसिस की लिस्ट बनाई है, जाके उसे देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी, चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और जितना हो सके हमें अब हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। और नीचे ट्रेडिंग दिल से एक चैनल और ओपन हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो, बहुत अच्छी नॉलेज, इंट्राडे सारी चीज नॉलेज हम आपको देते हुए नजर आएंगे। 7 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए, और भी वीडियोस यहाँ पर आगे के टाइम में आएगी, और भी बहुत सारे स्टॉक्स डेली बेसिस पे दिए थे, जाके चेकआउट करिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते और जानते हैं। तो सबसे पहले आज जिस तरीके से मार्केट अपसाइड डाउन होती हुई नजर आई, ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो लेवल आपको दिए गए थे वही लेवल यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दिए और मार्केट वहीं से ही रिटर्न होती हुई दिखाई दी। तो अगर आप यहाँ पर मार्केट देखेंगे आज, तो एक कैंडल बनी है जिसे हम डोजी कहते हैं, ओके, और जो ये डोजी बनती हुई नजर आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इसने अपना लो तोड़ा, डोजी का लो तोड़ा, तो मार्केट गिरती हुई नजर आएगी। और इसने अगर अपना हाई निकाल दिया, जो आज का हाई था 16,070 का, अगर ये पॉइंट को निकाल दिया इसने ऊपर की तरफ कल की डेट में, या परसों कल की डेट की ही बात हो रही है मीन, तो अब याद रखिएगा एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे और ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जो इंट्राडे में तो शायद 16,107 तक लेके जा सकती है, बट अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है जहां से ये अभी लौटा भी था, 16,284। देखिए ये लाइन आपको पहले ही दिखा रखी है, 16,284, ओके, और नीचे के लेवल की बात करें 15,855 ये लेवल है। इसके बीच में जो मैंने आपको बताई थी बॉक्स थ्योरी, उसमें ये फंसा हुआ है, या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट हुआ तब जाके यहाँ पर एक लेवल आएगा 16,778 का, ओके, और वो क्रॉस हुआ तो मार्केट में और तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो ये सब चीज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट चलती हुई दिखाई देगी। तो ये हो गया पूरा निफ्टी का व्यू, एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप की। तो देखिए निफ्टी स्मॉल कैप में भी कल जो हमने बताया था कि यहाँ पर एक दायरे में मार्केट चलती हुई नजर आ रही है, ओके, और यहाँ पर भी एक डोजी बनती हुई नजर आ रही है अगर इसका लो तोड़ा, तो देखिए उसका आज लो तोड़ा, लो तोड़ के चीजें नीचे आई, और जो इसका रजिस्टर इसका जो सपोर्ट था वो भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया, और लगभग 100 पॉइंट की 1.14% की यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी। अब कल के लिए क्या, कल के लिए नीचे एक बेहतरीन सपोर्ट है, अगर मार्केट गिरती है तो शायद ये 8,625 पर रिटर्न होके ऊपर की तरफ जा सकती है, बट अगर ये लेवल भी तोड़ा तो याद रखिए एक गिरावट होती हुई नजर आएगी, जो इसे 8,415 और फिर नीचे का लेवल तो 7,900 जो इसका पुराना लो था वो यहाँ पर डिपेंड करेगा, और इसे ऊपर निकलने के लिए 8,694 का लेवल निकालना बहुत जरूरी है। इसे निकाला तो सामने एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 8,746 के, 8,950 के आसपास। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी एज इट इज, और निफ्टी मिड कैप की अगर बात करूँ तो निफ्टी मिड कैप में भी सेम एज इट इज जो हमने आपको कल बताया था वही लेवल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था कि इसका अगर लो तोड़ा तो नीचे की तरफ गिरावट होगी, तो नीचे की तरफ गिरावट हुई बट रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया मार्केट, और ना के बराबर यहाँ पर गिरावट हुई, केवल और केवल 24 पॉइंट यहाँ पर गिरे हुए थे, बट इसने यहाँ पर एक हैमर बनाया है। देखिए ऊपर जब रेजिस्टेंस पे यहाँ पर हैमर बनता है ना, ओके, तो यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आती है, ओके, और चीज़ें यहाँ बिगड़ती हुई दिखाई देती है, बट इसे गिरावट के लिए इसका जो आज का लो था 27,553 इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है, इसे क्रॉस किया तो गिरावट, बट अगर इसके अगेंस्ट में यहाँ पर 28,000
28,000 का लेवल अगर निकाला तो ये सक्सेसफुली, तो याद रखिए यहाँ पर एक तेजी होगी जो इसे 28,500 की तरफ लेते हुए जाएगी। तो ये कल के लिए लेवल है, तो अगर नीचे निकलता है तो यहाँ पर गिरावट, या फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर चीजें खड़ी हुई है और इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप ये सारे के सारे इंडेक्सेस थे जहां पर मैंने आपको यहाँ पर व्यू देता हुआ दिख नजर आया, एज वेल एज निफ्टी बैंक से रिलेटेड बात कर लेते। कल मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे की तरफ गिरावट होती है तो नीचे यहाँ पर इसका सपोर्ट है 34,377, एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। तो यहाँ पर चीजें अगर रुक जाती है अच्छा है, ओके, अगर और यहाँ से ही तेजी होती हुई नजर आएगी। देखिए कोई भी चीज लगातार ना तो ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है, रिट्रेसमेंट जो होती है ना, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, तो इसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आती है। एज इट इज जब मार्केट गिरती है तो लगातार गिरावट नहीं होती, वो ऑपरेटर वाले स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मार्केट में अच्छे अच्छे और बेहतरीन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। जब गिरती है तो ऊपर से जैसे हजार पॉइंट पे है, 1,000 से यहाँ पर 900 पे आएगी, 900 के बाद फिर 50 पॉइंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 20-30 जो भी बढ़ेगी, फिर उसके बाद थोड़ी फिर गिरेगी 800 पॉइंट, फिर 850 पे जाएगी, फिर 700 पॉइंट, इस तरीके से यहाँ पर अपसाइड डाउन होते हुए नजर आते हैं। एक साथ 1,000 से 900, 900 से 800, 800 से 700, ऐसी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कोविड में हुआ था या कोई भी यहाँ पर क्राइसिस इन दैट केस होते हैं, अदरवाइज नहीं होता। तो ये लेवल यहां पर याद रखिएगा, बैंक निफ्टी को तेजी के लिए 35,535 को निकालना बहुत जरूरी है, और नीचे की बात करें तो 34,377 ये लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, ओके। और कल की डेट में अगर इसने अपना लो तोड़ दिया 34,570 का जो कि आज था, तो याद रखिए गिरावट होती हुई नजर आती हुई नजर आएगी, जो सपोर्ट पे इसे 34,377 तक लेके जा सकती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और दूसरे इंडेक्सेस की, आईटी में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। आप सोच रहे होगे अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो गई है, ओके यहाँ पर शेयर खरीदने चाहिए, तो देखिए आज गिरावट तो हुई बट कहाँ पर टिकी है, यहाँ ये टिकती हुई नजर आई है बिल्कुल सपोर्ट के आसपास। यहाँ पर जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ओके नीचे की, ये बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट के आसपास ही चीज़ें यहाँ पर ठहरती हुई नजर आई है। तो इसने अपना अभी तक सपोर्ट तोड़ा नहीं है, याद रखिए अगर ये सपोर्ट को तोड़ा था, इसने थोड़ा सा तोड़ा था और उसके बाद ऊपर दोबारा बाउंस बैक, तो यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तुरंत बाउंस बैक हो जाती है चीज़ें। तो और अगर गिरावट हो जाती फिर यहाँ पर गिरावट होती और फिर जो लेवल आपको दे रखे है 24,152 का जो नीचे लाइन खींची हुई है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। अब क्या हो सकता है, देखिए आईटी में इतनी ऐसा कुछ नहीं है, माइंडट्री के नंबर अच्छा है, एलटीआई के आज नंबर अच्छा है, और जितनी भी मिड कैप कंपनी है सबके अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर एट्रिशन की वजह से यहाँ पर अगर बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज में इफेक्ट पड़ रहा है, बट वो शॉर्ट टर्म की है, ऑलरेडी 40-50% शेयर गिर चुके हैं। इतना मार्केट में ओवरऑल गिरावट नहीं होती तो आपको इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ टाइम टू एक्युमुलेट आईटी स्टॉक्स, ओके। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड जब ये ऊपर जाना शुरू करेगी दे विल स्टार्ट बाउंसिंग, तो यहाँ पर याद रखिए अच्छे खासे रिटर्न 40-50% गिरा है बट जब 50% ऊपर जाएगा तो 100% के रिटर्न होते हैं, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो आईटी में यहाँ पर नीचे है और ऊपर निकलने के लिए इसे यहाँ पर 28,488 का लेवल निकाला, तो याद रखिए एक बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा और आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। तो अभी फार्मा जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ऑटो चले फिर FMCG चला, और जब भी यहाँ पर चले तब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया फार्मा आज तक चलता हुआ नजर आ रहा है, फार्मा आज गिरावट हुई थी इवन, और बात करें दूसरे आईटी इसके बाद चलता हुआ नजर आएगा। तो चीजें समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही सेक्टर रोटेशन कहते हैं, ओके। और ऊपर की तरफ निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी ऑटो देख सकते हैं 22,286 का लेवल है, ओके, जब तक इसे क्रॉस नहीं कर रहा कोई तेजी नहीं हो रही, ओके। नीचे यहाँ पर डोजी बना रखी है, इसकी डोजी अगर यहाँ पर इसका लो तोड़ा तो नीचे, और अगर इसका ऊपर तोड़ा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका खड़ा हुआ है ऑलरेडी, ये यहाँ पर सपोर्ट पे नीचे आया हुआ है, तो नीचे जाने के चांसेस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं और डिपेंड करेगा इसके रिजल्ट पे कि क्या होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दूसरे इंडेक्स की, तो मेटल आपके सामने है, मेटल में ऑलरेडी कह चुका हूँ यहाँ पर गिरावट है बट ऑलरेडी इतने 40% तक शेयर यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं, तो ज़्यादा टूटना तो यहाँ मुझे मुश्किल लगता है, ओके। अपने लेवल पे तो जितने भी लेवल आने थे वो आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ से ग्राफ करेंगे, थोड़े बहुत टूटते हैं तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, ओके। हो सकता है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि ये एक साइक्लिक चीज़ें होती है, तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पर चलती हुई नजर आई। ओवरऑल यहाँ पर अच्छे लेवल पर मार्केट आ गई है, अच्छे लेवल पर स्टॉक्स आ गए हैं, वैन दे विल स्टार्ट बाउंसिंग, स्टार्ट अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे, ओके। और यहाँ पर इसने अपना, अगर बात करूँ यहाँ पर मेटल का, निफ्टी मेटल का, इसने अपने
रेजिस्टेंस के आसपास है, निकाल दिया इसका आज का हाई ओके या 4,939 को निकाला तो तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे 5,043 और 5,107 तक लेके जाएगी। और यहाँ से भी तेजी हुई तो याद रखिए और तेजी होगी, तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को भी चुनना है। फार्मा की बात करें, फार्मा में लगातार तेजी थी, आज के दिन में यहाँ पर गिरावट हुई है ओके। और एक यहाँ पर बात करें रेजिस्टेंस के आसपास ही आती हुई दिखाई दी है, जैसे कि मैंने ऊपर लाइन खींच रखी है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर तक ही जाने के चांसेस है। अगर इसने अपने हाई को निकाल दिया, जो आज का हाई था 12,855 से निकाल दिया, तो और तेजी होती हुई दिखाई देगी। तो बट मुझे लगता है एक आध दिन हो सकता है, जैसे कि मैंने रिट्रेसमेंट की पहले ही बात करी है, लगातार चीजें ऊपर नहीं जाती, थोड़ी बहुत नीचे भी आती है, तो हो सकता है ऊपर जाके, अभी ऊपर गई है थोड़ी सी नीचे, है सपोर्ट है, बेहतरीन सपोर्ट है 12,442 के आसपास ओके। यहाँ पर रुकेगी चीजें और फिर दोबारा बाउंस बैक करके यहाँ पर चीजें जाएगी, तो 13,000 तक का लेवल भी इजीली आता हुआ दिखाई देगा। तो चीजें समझने की जरूरत है आपको और उसी तरीके से आपको काम भी करना है। FMCG की बात करें, FMCG लगातार यहाँ पर तेजी करता हुआ नजर आया था, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था FMCG अच्छा लग रहा है और स्टॉक्स भी बता दिए थे कि यही सारे स्टॉक्स आपको लेने हैं, अच्छे खासे चले भी है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और ऊपर एक और रेजिस्टेंस साथ में खड़ा हुआ है, तो 40,897 का रेजिस्टेंस है ओके, 41,000 का एक रेजिस्टेंस समझिए ओके, और ऊपर एक और 41,600 का रेजिस्टेंस है। ये दो क्रॉस किए तो तेजी होगी, और जैसे कि लगातार चीज़ें ऊपर नहीं जाती, रिट्रेस होती है, तो वही कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। डोजी बनी है अगेन, इसका लो तोड़ा तो गिरावट, इसका ऊपर गया तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी, पर रेजिस्टेंस सामने है, इस चीज को याद रखिएगा, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड। और बात करें यहाँ पर एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर एज इट इज हम यहाँ पर देखें, एनर्जी सेक्टर कंसोलिडेट ही कर रहा है और यहाँ पर एक जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन ओके, रेजिस्टेंस की लाइन 25,211, इसे क्रॉस करेगा तब जाके यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आएगी 26,241, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है ओके। आप शॉर्ट टर्म में जैसे IEX हो गया, रिजल्ट आने वाले हैं तो थोड़े टाइम के लिए खरीद सकते हैं, बट रिजल्ट कैसे होंगे नोबडी नोज, तो आपको एग्जिट तुरंत ही यहाँ पर करना होगा, एक दिन पहले ही या फिर उसी दिन आपको एग्जिट करना पड़ेगा रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट बेकार है तो आप गिरावट के शिकार हो जाएंगे और फिर यहाँ पर अच्छा खासा लॉस होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें है, इसी तरीके से मार्केट काम करती है। होप आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मार्केट काम करती है ओके, सेक्टर रोटेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से चीजें लगातार ऊपर या नीचे नहीं जाती, रिट्रेसमेंट नाम की चीज होती है वो रिट्रेस करती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे लेवल पसंद आए हो कि हाँ जो हमने लाइव लेवल आपको दिए वही लेवल पे चीजें टच करी ऊपर गई, चीजें अगर हमने कहीं गिरावट होगी तो गिरावट हुई, ऐसी चीजें समझने के लिए प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू कर लिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि लोगों के पास ट्रू नॉलेज पहुंच पाए, अच्छी चीजें पहुंच पाए। यहाँ पर बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी बेकार बातें भी बताते हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल भी है ओके, उनकी मैं तारीफ भी करूंगा, बट यहाँ पर हमारे चैनल को भी ग्रो कराने में मदद करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।